अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। तेलंगाना आरटीसी, जब आपकी नज़र नंबर प्लेट पर पड़ेगी, आरटीसी के जितने बसेस तेलंगाना में चलते हैं, जब उसकी नंबर प्लेट पर आप गौर करेंगे तो लास्ट में आपको जेड नज़र आएगा। जो गवर्नमेंट की बसेस है उस पर आपको ज़रूर ये जेड नज़र आएगा। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। आज निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में 1932 के वक्त ये बस सर्विस का आगाज़ किया गया था। 27 बसों से इस सर्विस का आगाज़ किया गया था। 3,93,000 रुपीस का खर्च आया था। पहली बस हैदराबाद से नांदेड़ को गई थी। वो बस में 19 सवार मुसाफिरीन के लिए सहूलत थी, बैठने की गुंजाइश थी। आप मेरे कैमरे के ज़रिए देख सकते हैं, वो बस आज भी तेलंगाना आरटीसी भवन मशीराबाद के एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर रखी हुई है। उस पर तमाम तफसीलात दर्ज है। ये लाल कलर की बस है जिसका नंबर प्लेट HYZ223 है और 19 सीटों की ये बस है, 1932 की, जब निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान का दौर हुकूमत था। आपकी वालदा का नाम जोहरा बानो बेगम था, तो तब आपने एक माहिदा किया था, आने वाली जो भी हुकूमत रहेंगी उसके नंबर प्लेट पर जेड ज़रूर हो, ताकि वो अपनी वालदा को इस कदर मोहब्बत करते थे कि इसकी निशानी आज भी वो कायम है। चाहे वो हुकूमत किसी TDP की हो, कांग्रेस की हो या TRS की, हर दौरे हुकूमत में ये फॉलो करती है गवर्नमेंट, और आज भी आपको ये जेड हर नंबर प्लेट पर नज़र आएगा। आप यहाँ पर जब मशीराबाद से गुजरेंगे तो चौरस्ते पर तेलंगाना आरटीसी भवन है, वहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर यह HYZ223 नंबर की नांदेड़ जाने वाली बस आपको एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आएगी, जो आपको ये बताती है कि निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में कितने बेहतरीन काम अंजाम दिए, जिसकी सहूलत आज भी लोग उठा रहे हैं। जो लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं वो ज़रा सा फुर्सत निकाल कर यहाँ पर आए। ये जो तमाम मज़हब के लोगों की सहूलत के लिए जिन्होंने हिमायत सागर, गंडी पेट, नागार्जुना सागर और बेहतरीन प्रोजेक्ट, चाहे पानी का मसला हो या मुसाफिरीन की सहूलत का मसला हो, रेलवे स्टेशंस हो, बस डिपोज हो, इस तरह के असम्बली हॉल हो, हाई कोर्ट, उस्मानिया हॉस्पिटल, हर वो महकमे में आपने बहुत ही बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। मैं बात कर रहा हूँ कि जो बस सर्विस का है, वो आप कभी फुर्सत निकाल कर यहाँ पर आए, वो देखें कि 1932 में जो सर्विस का आगाज़ किया गया था आज भी वो जारी व सारी है। अबू अमल।